प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाली खबरों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े हुए कदम वापस नहीं लौटते हैं, हमारी पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का काम समाज की सेवा करना है और वो हम करते रहेंगे और अब हम किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर शिवपाल ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के साथ इस पर चिंतन मंथन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में है। 2019 लोकसभा चुनाव से हमारी पार्टी ने बड़ी सीख ली है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का भी संदेश दिया। बता दें कि शनिवार को शिवपाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लोधी की पत्नी विमलेश लोधी का हाल पूछने यहां पहुंचे थे। वह यहां कार्डियोलॉजिस्ट अस्पताल में भी भर्ती हैं। ज्ञात हो कि शिवपाल ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह वहां 1,00,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके अलावा शिवपाल ने सूबे की जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे उनमें से एक प्रत्याशी 1,00,000 वोटों का आंकड़ा नहीं छू पाया। उन्होंने कहा कि हार और जीत चलती रहती है, लेकिन पार्टी विशेष तौर पर अब किसी के साथ बदलाव नहीं करेगी और वो काम करती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।